नमस्कार, मैं स्नेहा राउत, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। खास खबर पर एक नजर। 3000 करोड़ का उत्पन्न दे सकता है कल्प वृक्ष। ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी सब्जी की जाती है, फलों से तेल, साबुन बनाई जाती है। वनों की गति के लिए राज्य सरकार ने सामाजिक वनीकरण की स्थापना की, परंतु इस विभाग के नर्सरी से मोह वृक्ष तैयार नहीं किए जाते। विदर्भ के वनों में जैविक विविधता बढ़ाने वृक्ष ऐसी मान्यता है। इस वृक्ष को बड़े पैमाने पर रोपाई की जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस वृक्ष से रोजगार मिलता है, परंतु सरकारी यंत्रणा ने इस वृक्ष की दखल नहीं ली है। इस वृक्ष को संरक्षण न होने से इसकी भारी मात्रा में अवैध कटाई हो रही है। विदर्भ की भूमि पर हम खास मिलने वाला मोह वृक्ष उसके फूल से बनाई गई शराब की वजह से बदनाम हुआ है। सरकारी उपेक्षा तथा सर्वसामान्य नागरिक के अनदेखी से यह वृक्ष बलि जा रहा है। वन विभाग ने जिन वृक्ष के कटाई पर बंदी लगाई है उसमें मोह वृक्ष का समावेश नहीं है। विदर्भ में कल्प वृक्ष का नाम से जाने वाले इस वृक्ष के फूलों में प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लोह, विटामिन ए, विटामिन सी रहता है। किसानों का यह कल्प वृक्ष सरकारी उपेक्षा का बलि बन रहा है। ईंधन के लिए इस वृक्ष की बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है। इस वृक्ष का लकड़ा गर्म तथा पत्तों से पत्रावली द्रोण बनते हैं। फूलों से उत्तम अल्कोहल, पशु खाद्य, दवाइयां तथा अकाल में आहार में उपयोग किया जाता है। फल मुलायम और मीठा होता है। Thank you.